अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला अकाउंट कौन सा है। तो इससे पहले हम आगे चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ जो भी मैं आगे बनाऊं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आपको जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैंक अल्फ़ा का अल्फ़ा सेविंग अकाउंट है। अल्फा सेविंग अकाउंट क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये एक एप्लीकेशन के थ्रू जिस तरीके से आप जैज़ कैश इजी पैसा का अकाउंट बनाते हैं, इसी तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू ये अकाउंट ओपन होता है। इसका तरीक़ेकार क्या है अकाउंट ओपन होने का, ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊँगा, लेकिन अभी मैं इस अकाउंट की आपको खासियत बता देता हूँ कि इसकी क्या खासियत है। आपको जैसे कि आपको अपने पैसे सेव करना बहुत मुश्किल लगता है, किस वजह से मुश्किल लगता है, क्योंकि आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो बहुत सी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं, आपके पैसे कहाँ से आने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अकाउंट ओपन करने के लिए, क्योंकि आपने खुद ही घर बैठे अकाउंट ओपन करना है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, और आप ये अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बैंक अल्फा की एप्लीकेशन अल्फा के थ्रू 5 मिनट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर बैठे ही इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट की जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे की जाती है। आपका जो भी डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता है वो इकट्ठा एक साइड भी होता रहता है। जैसे ही पूरा महीना कंप्लीट होता है, यकम तारीख अगले महीने की आती है, तो आपके पूरे महीने का प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसके अंदर जैसा कि मैंने ये बताया कि ये डेली बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, अगर आपके 15 दिन आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहे हैं और अगले 15 दिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए थे, तो आपको जैसे ही यकम तारीख आएगी 15 दिन के आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये जो अकाउंट है कोई फिक्स अकाउंट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, ये आप जो है जब मर्ज़ी पैसे निकलवा सकते हैं, जब मर्ज़ी पैसे इसके अंदर डलवा सकते हैं। इसके अंदर कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका अगर 1 रुपया भी पड़ा हुआ है तो वो अंदर पड़ा रहेगा, आपकी किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होगी। जिस तरीके से अक्सर अकाउंट्स होते हैं जिनमें 5,000 रुपये मिनिमम रखा होता है, हर अकाउंट की अपनी एक नेचर होती है, जिसमें 5,000 रुपये रखना होता है किसी अकाउंट में, किसी में 25,000 रखना होता है, किसी में 10,000 रखना होता है, अगर आप उससे कम अकाउंट के अंदर बैलेंस रखते हैं तो कटौती होती है। इसके अंदर किसी किस्म की कटौती भी नहीं है। और जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इनिशियल जमा करवाना पड़ता है, फौरी आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाने होते हैं। इस अकाउंट के अंदर क्योंकि आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर फौरी आपको पैसे जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, बेशक 5 दिन बाद इसके अंदर पैसे जमा करवा दें। तो इस अकाउंट की जो है कैलकुलेशन किस बेस पे की जाती है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि प्रॉफिट अभी तो यही है, लेकिन कल को हो सकता है चेंज हो जाए, काइबर रेट ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है ये प्रॉफिट रेट और ज़्यादा हो जाए, अगर काइबर रेट कम हो जाता है तो ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, लेकिन आजकल प्रॉफिट रेट्स यही हैं। इसके 3 किस्म के स्टेप्स हैं, अगर आप 1 0 रुपये से लेकर, यानी कि 1 रुपया तकरीबन 1 रुपये से लेकर 9,999 रुपये तक अगर आप अकाउंट में बैलेंस रखते हैं तो प्रॉफिट रेट कुछ और लगता है, अगर 10,000 रुपये से लेकर 99,999 रुपये तक अगर आप इसके अंदर बैलेंस रखते हैं तो प्रॉफिट रेट कुछ और लगता है, और 1 लाख रुपये से ऊपर इसका प्रॉफिट रेट कुछ और है। जैसा मैं आपको इसके अंदर जो है मैं बताता चलूँ कि 0 से लेकर 9,999 तक 11.25% है, और 10,000 से लेकर 99,999 रुपये ये 16% है,
और 1 लाख रुपए से ऊपर 11.25% है। तो ये जो आगे प्रॉफिट कैलकुलेशन की हुई है, ये इन्होंने 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है। अगर महीना 31 दिन का होगा और अगर आपने 9,999 रुपये रखे हुए हैं, तो इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और यही अगर आपका महीना 28 दिन का होगा, तो ये 92 नहीं होंगे, पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हर दिन के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। ये अब इन्होंने जो 1,315 रुपये किए हुए, ये इस पे कैलकुलेशन की हुई है कि अगर आपने पूरे 30 दिन 99,999 रुपये आपने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, यानी कि यकम से लेकर 30 तक, तो जैसे ही आपका अगले महीने की यकम दोबारा आती है, तो 1,315 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आप 1 लाख रुपये पे पहुँचेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। तो आपने अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस अकाउंट के अंदर 99,999 तक ही बैलेंस हो, इससे ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा। इसकी जो है ट्रांजैक्शंस लिमिट क्या है, जब आप घर में बैठे अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपका अकाउंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका लेवल 0 और लेवल 1 क्या है। तो आप जब घर में बैठे अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपका लेवल 0 का अकाउंट ओपन होता है। आपको अपने लेवल 1 पे शिफ्ट होने के लिए आपको बैंक में विजिट करना होता है, और सिर्फ बायोमेट्रिक करनी है आपने। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट जो है लेवल 1 पे शिफ्ट हो जाता है। लेवल 0 के ऊपर आप बैंक में जाके कैश काउंटर से अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा सकते, आपको लेवल 1 में ही शिफ्ट होना पड़ता है। तो जब भी आप बैंक में जाएं ये अकाउंट ओपन करने के अकाउंट ओपन करने के बाद, तो आप बैंक में जाके, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच में जाएंगे, आप बैंक अल्फ़ला के किसी भी ब्रांच में जाके आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर लेवल 0 ही रहेगा आपका, तो 25,000 रुपये की आप डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और लेवल 1 में आप 50,000 रुपये की आप डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेवल 0 पे आप महीने की 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और लेवल 1 में 80,000 के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और पूरे साल के अंदर लेवल 0 के अंदर 2 लाख की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और लेवल 1 के अंदर 8 लाख की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है जो आप अपने इस लेवल 0 के अंदर जो रख सकते हैं, वो 2 लाख रुपये रख सकते हैं, और लेवल 1 पे आप 4 लाख रुपये रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं, ये डेबिट और क्रेडिट अलहदा अलहदा इनके लिमिट्स हैं। यानी कि अगर एक बंदे ने 25,000 रुपये जमा करवाए हैं अपने लेवल 0 के अकाउंट में, यह जमा करवाने की 25,000 लिमिट है, और 25,000 को निकलवा भी सकता है। उम्मीद है कि आप सबको ये जो है समझ लग गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए हुई, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। तो आपको ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको CNIC चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, CNIC इशुंस डेट चाहिए आपको जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए जहाँ पे आपकी पैदाइश का ज़िला है वो आपने बताना है, सिटी ऑफ स्टे कहाँ पे रह रहे हैं ये बताना है, फादर्स नेम आपके वालद साहब का नाम, मदर्स मिडन नेम आपकी वालदा का नाम। ये स्टेप्स हैं, आपने सबसे पहले अपने अल्फा जब डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पे जाके आपने ओपन वॉलेट अकाउंट में जाना है, और वहाँ पे जाके आपने, इधर 3 किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं, आपने सेव एंड ट्रांजेक्ट पे जाना है। अगर आप अकेला ट्रांजेक्ट पे जाएंगे, तो करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेव एंड ट्रांजेक्ट पे जाके आपने इधर से प्रोसीड का बटन दबाना है, तो आपका ये आगे जो है ये वाली विंडो आ जाएगी। इसके अंदर आपने सबसे पहले शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है, शिनाख्ती कार्ड की इशुंस डेट देनी है, और आपने मोबाइल नंबर अपना देना है। फिर आपने इधर जितने भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने सारी ये चेकलिस्ट ओके करनी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन ओके करनी है। आपने ये मोबाइल नंबर ये देखें बताया हुआ कि PTA से आपके नाम पे है, ये आपने ये बताना होता है, और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है ये आपने बताना है, और ज़कात डिक्लेरेशन, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट लगता है, तो इसके अंदर आपकी ज़कात भी काटी जाएगी यकम रमज़ान वाले दिन, अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं जो ज़कात के निसाब को टच कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में से ज़कात ना काटी जाए, तो आपको ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में जमा करवाना होगा, तो फिर आपके इस अकाउंट में से ज़कात नहीं काटी जाएगी। तो
आपने ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट पे आपने ये ओके करने के बाद आपने इधर प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, आपने वो कोड इधर बताना है, लिखना है थर्ड स्टेप के अंदर। और अगर आप अगर पिन लगाना चाहते हैं कि आप हमेशा जो है ये 4 हिस्से लिख के आप अपना इसको लॉगिन कर लें, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इधर आप पासवर्ड लिखेंगे जो भी आप लगाना चाहते हैं, और इधर से प्रोसीड कर देंगे। फिर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, अपने वाले साहब का नाम लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ आप पैदा हुए हैं, पैदाइश का ज़िला वो आपने लिखना है, कंट्री सिटी ऑफ स्टे आपने जो कहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने लिखना है, और इधर पर शीट का अपने अपने दबा देना है। इसी अगले स्टेप के ऊपर पांचवा स्टेप आ जाएगा, और आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड जो है वो आपने तस्वीर खींच के इधर अपलोड कर देनी है, और इधर इस पर क्लिक करने के बाद आपने बैक साइड से शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच के अपलोड कर देनी है और प्रोसीड कर देना है। आपका अकाउंट रेडी हो चुका है, और ये आपका लेवल 0 का अकाउंट है। ये देखें, डेली लिमिट 25,000, मंथली लिमिट 40,000, मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख रुपए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन से भी पूछ सकते हैं, और ये मैंने बैंकल फ्ला की वेबसाइट और उसकी हेल्पलाइन भी लिख दी है, आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करके भी आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।